नमस्कार, सत श्री अकाल, सोसाइटी में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। इस साइड के जब भीड़ देखिएगा तो ये भीड़ है नव वर्ष। ये तमाम भीड़े जो आप देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ जो है यूथ का, यहाँ जब देखिएगा तो तमाम यूथ है, युवा है। लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। ऐसा पहली बार मौका मिला है कि यूथ का सबसे ज्यादा ध्यान अगर रहा है तो गुरुद्वारे में या फिर मंदिरों में। सबसे पहले इसे तखत साहब का मैं आपको दृश्य दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब देखिएगा तो बुजुर्गों की संख्या कम है, लेकिन हाँ, युवा देश के भविष्य जो है वो सबसे अधिक है। मेरे साथ चलिए जरा। ये साफ जाहिर होता है कि आस्था का केंद्र बड़ा है, खास करके यूथों के प्रति। यहाँ जब देखिएगा, ये नज़ारा जब देखिएगा तो लंबी कतारें लगी हुई है तखत साहिब में, लोग दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। आपकी नज़र इस वीडियो से अगर जहाँ कहीं भी अगर जा रहा है तो सिर्फ आप यूथ ही नज़र आएगा आपको। इसका मतलब है कि इस वर्ष 2024 के शुभारंभ में, कह सकते हैं कि 1 जनवरी से शुभारंभ। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर न कहीं पार्किंग, न कहीं रेस्टोरेंट, बल्कि इस तखत साहिब गुरुद्वारों में लंबी कतार, लंबी भीड़ दर्शन करने के लिए। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों लोग आए हैं इतनी भीड़, इतनी हुजूम के साथ में। मैं पश्चिमी चंपारण। अच्छा, पश्चिमी चंपारण से आई हो। ये बताओ कि लोग तो पार्क में घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये दर्शन करने क्या वजह है? ऐसे ही मन की शांति के लिए। अच्छा, मन की शांति के लिए आए हैं लोग। बोलो क्योंकि लोग अब अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। क्या बात है, ये सब करना अच्छा लगता है। पार्कों में और रेस्टोरेंट में नहीं, पार्क से अच्छा यहाँ पे लगता है। पार्क में अच्छा नहीं लगता है, फिर देखने के लिए आदमी को जाता क्या है। बोल रही? कुछ नहीं, हम लोग ऐसा ही अच्छा लगता है, इसलिए आए लोग घूमने। यूथ लोग का क्या नाम है क्या कि भाई पार्कों और रेस्टोरेंटों से बेहतर है कि यहाँ पर दर्शन करेंगे तो तरह तरह की शिक्षाएं, जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो तमाम भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर शांति मिलता है और अच्छा भी लगता है। क्या बोल रही है? ये धार्मिक स्थल है, ज्यादातर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। क्या बात है। देखिए, यूथ लोग का एक कहना है कि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर आकर मन को सुकून मिलता है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं। बड़ी पटन देवी के इस प्रांगण में, यहाँ जब देखेगा तो लंबी कतार है लोग दर्शन करने के लिए। और सबसे खास बात है, तमाम लोगों से जो भी भक्त है उनसे मैंने बात किया है तो खुद बता रहे हैं कि नहीं, माता रानी को दर्शन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो अब पार्कों में जाना कम हो गया है, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना कम हो गया, लेकिन हाँ, यूथ का एक क्रेज है। और यूथ लोग का आज अक्सर देखिएगा कि यहाँ पर एक लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री श्री बारी प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, हलवा। जी हाँ, माता रानी का सबसे पसंदीदा प्रसाद होता है वो हलवा है। बहुत बहुत नए वर्ष हम लोग का अच्छा गुजरे। मांग रही है माता रानी? हाँ, मांग रहे हैं कि हम लोग सारा 1 साल पूरा अच्छे से गुजरे, नए
नवीन दिवस में यूथ लोग दर्शन करने के लिए आए, बहुत लोग तो जा रहे हैं पार्कों में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जी नहीं, हमें यहीं पे दर्शन करना था, शक्तिपीठ है इसलिए हमें काफी टाइम से दर्शन करना था। क्या यूथ लोग का क्रेज धीरे धीरे घट रहा है क्या पार्कों में और रेस्टोरेंट में जाने का? हाँ, अब तो काफी धार्मिक होते जा रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। नहीं, अच्छा लगा यहाँ मंदिर में आके, बहुत अभी दर्शन होना बाकी है और थोड़ा फैमिली के साथ अभी टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा। फैमिली लोगों के साथ में तो पार्क में लोग जाते हैं, पार्क में जाने के दिन अलग होते हैं, साल का पहला दिन थोड़ा दर्शन कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जी, हम लोग का तो धार्मिक यही है, तो हम लोग का संस्कृति तो पूजा ही पाठ, पूजा करने के लिए, पार्क में नहीं घूमना क्या? पूजा करने के लिए, माता रानी का पूजा करने के लिए। नहीं, इस बार तो श्रद्धा बहुत है, श्रद्धा बहुत है माँ के नजर में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा गया, हम लोग का 2023 का सफर बहुत अच्छा गया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा 2024 मना के, न्यू ईयर मना के। क्या बात, अभी तो बहुत अच्छा है और मौसम का मिजाज भी बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। मंडे का दिन है, शुरुआत भी दिन अच्छा है और आज का नववर्ष 2024 का शुरुआत भी लग रहा है बहुत अच्छा होने वाला है। अपने उम्र जब देखिएगा यहाँ पर तो सब 60+ में है और ये लोग भी नौ वर्ष का सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। जी नमस्ते, बहुत बहुत आपको नौ वर्ष मंगल में चाचा जी। हाँ, नौ वर्ष मंगल हो, नया साल सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग गंगा भ्रमण परिवार की तरफ से सब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इस समय हम 80+ में चल रहे हैं और मैं गंगा भ्रमण परिवार में करीब करीब 2500-300 साल से जुटे हुए हैं। ये संस्था हम लोग के समय में और आज भी 50 से ऊपर चलते थे। पहले हमारे स्वर्गीय गोविंद भाव भरतिया जी अध्यक्ष हुआ करते थे और विश्वनाथ के टेकरीवाल जी सचिव थे। तब से हम लोग इस संस्था को बराबर चलाते आ रहे हैं, आगे भी चलता रहे यही हम मेरी कामना है। संस्था से हम लोग आपस में जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे। 60+ में मना रहे हैं? जी हाँ, 60+ में मना रहे हैं। यहाँ पे 1 जनवरी नहीं, आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी भी यहाँ पे लोग हम लोग सबको मिल के मनाते हैं। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे सर? गंगा भ्रमण परिवार एक बृहद परिवार है। जी, जी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि परिवार का मतलब एक छत के नीचे रहना नहीं होता है, लेकिन जिस सहयोग सहकारिता और स्नेह के साथ वर्षानुवर्ष 4 पर्व मनाते रहे हम लोग। पर्व इसलिए कर रहे हैं कि 1 जनवरी त्यौहार है, लेकिन उसको भी एक अनुष्ठान और पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं। न केवल पंगत मतलब संगत होता है, बल्कि उसके बाद पंगत भी होता है और पंगत में हम लोग साथ साथ व्यंजनों का रसास्वादन करते हैं और सबके लिए, अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए शुभ और मंगल की कामना करते हैं। एंजॉय कर रहे हैं, गंगा ब्राह्मण के परिवार लोग हैं, सदस्य हैं और सैकड़ों की संख्या में एंजॉय कर रहे हैं। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।